एपिसोड 70 लेकर आ गया अर्वन कल्टीवेटर का। जूस अपना थंडर पावर का कंट्रोल करने लग जाता है और चैन पर हमला कर देता है। दूसरी तरफ हु अपने मन में बोलता है, तो ये जूस का ताकत है। अब मुझे पता चला सभी लोग इसे थंडर ऑफ गॉड क्यों बोलते हैं। चैन एक ही पंच में वो थंडर को पूरी तरह काट डालता है। फिर वो बोलता है थंडर मैनिपुलेटिंग टेक्निक। फिर वो बिजली को कंट्रोल करके उस पर हमला कर देता है। जूस अपने मन में बोलता है, धत तेरे की, मैं इसके हमले को रोक नहीं पाऊंगा, और जल्दी से वो जगह से हट जाता है। फिर जूस अपना पूरा ताकत लगा लेता है। चैन अपने मन में बोलता है, यह है थंडर का स्पिरिचुअल फॉर्म ना, लेकिन मेरे किंगडी बॉडी के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। फिर जूस उस पर हमला कर देता है। सभी लोग बोलते हैं जूस बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। एडम अपने मन में बोलता है, जूस अपना थंडर बॉडी का इस्तेमाल किया तभी वह चैन पर कोई भी हमला नहीं कर पाया है। दूसरी तरफ जूस अपने मन में बोलता है, मैं इसे रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ। फिर चैन उसे एक जोर से पंच मारता है और वो दूर जाकर फेंका जाता है। जूस अपने मन में बोलता है, यह थंडर बॉडी है, तभी चैन मेरे हमले से बच गया। ये समझ में नहीं आ रहा कौन सा मार्शल आर्ट स्किल है। अगर एक बार भी मुझे इसका हमला लग गया तो मैं मारा जाऊंगा। फिर फुल उसको ब्लॉक कर देता है और चैन पर हमला कर देता है। चैन बोलता है, तुम इसे टॉयस स्किल बोलते हैं, अब मुझे देखो। फिर वो एक पत्थर का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है। तभी फूल चिल्लाते हुए बोलता है, बड़ा हो जाओ, और वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ आ जाता है जो चैन के हमले को रोक देता है। फूल अपने मन में बोलता है, चलो अच्छा हुआ कि वो इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार कर सकता है, लेकिन इसे पता नहीं है कि ये ट्री का इस्तेमाल सिर्फ बचाव के लिए नहीं किया जाता है, मैं इसे हमला भी कर सकता हूँ। फिर वो पेड़ से चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन उसके हमले से आराम से बच जाता है और बोलता है, तुम एक को ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन 10 का क्या होगा। फिर वो 10 पत्थर से उस पर हमला कर देता है। फूल अपने मन में बोलता है, धत तेरी की, ये कौन सा स्किल है, ये शायद इमॉर्टल एक्सपर्ट का कोई एबिलिटी होगा। फिर वो जल्दी से पेड़ के सामने एक बड़ा सा दीवार खड़ा कर देता है, लेकिन चैन के हमले से दीवार और पेड़ पूरी तरह तबाह हो जाता है और वो हमला जाकर फूल को लगता है, लेकिन उसका एमुलेट के चलते वो बच जाता है। फूल अपने मन में बोलता है, ये रॉयल एमुलेट है, मुझे ये बेबीलोन के कब्र से मिला है, ये सिर्फ एक ही हमला सह पाया, सही में चैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर जूस और फूल एक साथ हमला कर देता है चैन पर। सभी लोग बोलते हैं, चैन तो अकेले ही दो आदमी से लड़ रहा है, सही में चैन बैक्सून बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी चैन जूस को एक जोर से किक मार के दूर फेंक देता है। फूल बोलता है, हे एडम, अगर तुम हमला नहीं करोगे तो हम लोग इसके हाथों से मारे जाएंगे। फिर एडम अपना पंख खोल देता है और आसमान में उड़ने लग जाता है। चैन बोलता है, तुम तीनों एक साथ मिलकर भी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते हो। फिर एडम चैन पर हमला कर देता है। चैन अपने मन में बोलता है, ये बहुत ही बुरा हुआ, ये स्पिरिचुअल बॉडी है नॉर्मल, और मैं किंगडी बॉडी कल्टीवेट कर रहा हूँ जो 5 एलिमेंट्री बॉडी में एक है, और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर चैन उसे एक पंच मार के दूर फेंक देता है। एडम अपने मन में बोलता है, इसका बॉडी मेरी तरह ताकतवर है, यह आदमी का इमॉर्टल बॉडी है और ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये तो मेरे लाइट बॉडी से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर वो तीनों वहाँ पर आ जाते हैं और चैन पर हमला करने लग जाते हैं। चैन बोलता है, सही में तुम लोग कुछ नहीं हो मेरे सामने, और वो जूस पर हमला कर देता है। फूल चिल्लाते हुए बोलता है, हे सभी लोग संभल के। तभी एडम हवा में उड़ के बोलता है, रेन ऑफ एरो, और चैन पर हमला करने लग जाता है। फूल इस मौके का फायदा उठाकर इनविजिबल हो जाता है। चैन बोलता है, हे फूल, क्या तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो क्या, मुझे पता है कि तुम कहाँ पर हो। एडम बोलता है, अब तुम्हारे पास कोई समय नहीं है, अब तुम हमारे हाथों से मारे जाओगे। फिर वो सभी लोग चिल्लाते हुए बोलता है, सभी लोग मिलकर इस पर हमला करो, चाहे ये कितना भी ताकत हो रहा हो, ये अकेले इतने सारे ग्रैंड मास्टर को हरा नहीं सकता है, हमें इसके लिए मरना भी पड़े, फिर भी हम लोग ये स्प्रिंग वाटर इसे ले जाने नहीं देंगे। यांग बोलता है, तुम लोग अपने आप को ग्रैंड मास्टर बोल रहे हो, तुम सभी लोग मिलकर एक आदमी को मारने जा रहे हो। चैन बोलता है, ठीक है आ जाओ। फिर वो अपने असली रूप में आ जाता है। तभी कोई फायर से चैन पर हमला कर रहा होता है, उसी समय टाइटन एक बड़ा सा हथियार लेकर उस पर हमला कर देता है। फिर चैन उसे एक पंच मार के उसकी ओर ही फेंक देता है, और वो किसी तरह वो हथियार को पकड़ लेता है। फिर वो चैन का मुक्का को देखकर अपने मन में बोलता है, चैन का पंच तो ये स्टील से भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। एडम चिल्ला के बोलता है, सभी लोग एक साथ हमला करो, नहीं तो ये सभी को एक एक करके मार डालेगा। तभी चैन अपने इनविजिबल तलवार निकाल कर उसके आगे जो भी आदमी था वो उसे काट डालता है। फिर एक आदमी चिल्लाकर बोलता है, 4 स्ट्रोक शिफ्टिंग ड्रैगन, और वो उसे चैन पर हमला कर देता है। एडम बोलता है, हाँ इसी तरह मार डालो इसे। फिर वो चैन पर अपने तलवार से हमला कर देता है और वो उड़कर फिर से आसमान में चल जाता है। तभी टाइटन चैन पर हमला करता है, लेकिन चैन उसे एक जोर से मुक्का मार के फेंक देता है। फिर वो एक आदमी का पाँव पकड़ के बोलता है, बहुत हो गया उड़ना, और वो उसे जमीन में फेंक देता है। सभी लोग बोलता है, ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, हम लोग सभी लोग मिलकर भी इसे हरा नहीं पा रहे, और इसके अलावा ये बहुत ही जल्दी रिकवर भी हो जा रहा है। फिर चैन बोलता है, 36 स्ट्रोक ऑफ जेनाई, और वो दो हाथों से एडम पर हमला कर देता है, लेकिन एडम उस हाथों से बच जाता है। एडम घबराते हुए बोलता है, मैं अपना ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा सोर्ड ऑफ लाइट को क्या हो गया। फिर वो दूसरी ओर हमला करता है
और एडम के तलवार से एक पहाड़ बीच से कट जाता है, लेकिन वह चैन पर यह हमला कर नहीं पाता है। तभी चैन बोलता है, तुमने मुझ पर बहुत ही हमला किया, अब मेरी बारी है। फिर वो एडम पर हमला कर देता है, लेकिन एडम का तलवार चैन को रोक नहीं पाता है और एडम के कंधे पर बहुत जोर से हमला होता है, जिस कारण वो जमीन में जाकर गिर जाता है। ज्यूस बोलता है, अब हमें अपना पूरा ताकत लगाना होगा। फिर वो अपना स्पेशल बर्निंग टेक्निक का इस्तेमाल करने लग जाता है। फूल बोलता है, अगर ये टेक्निक का ज्यादा इस्तेमाल करेगा तो ये मर सकता है, तो मुझे भी अपना पूरा ताकत का इस्तेमाल करना होगा। फिर वो एक छोटा सा सांप को आसमान में फेंक देता है और वो जमीन में आकर एक खूंखार स्नेक बन जाता है। यंग अपने मन में बोलता है, ये स्नेक के अंदर 1 मिलियन स्नेक का जहर है, ये सेक्टर का सबसे खतरनाक शक्ति है। फिर वो सभी लोग मिलकर चैन पर अपना पूरा दम लगाकर हमला कर देता है। चैन उन सभी के हमले से बच जाता है आराम से और वो ज्यूस पर जाकर हमला कर देता है। चैन के पंसे उसके शरीर में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। तभी इस मौके का फायदा उठाकर वो स्नेक चैन पर हमला कर देता है, लेकिन चैन अपने तलवार से उसे बीच से ही काट डालता है। तभी एडम छुपके चैन के पीछे से हमला कर देता है, लेकिन चैन आराम से उसके हमले से बच जाता है। फिर वो उसके पंख को पकड़ के अलग कर देता है। ये सब देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, चैन फैन सिंह में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी चैन बोलता है, ये लाइव स्प्रिंग मेरा है, क्या किसी को कोई दिक्कत है क्या? सभी लोग घबराते हुए बोलते हैं, नहीं हमें कोई दिक्कत नहीं है। चैन बोलता है, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ और यहाँ पर कभी मत आना। फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। यंग बोलता है, मास्टर चैन आप सही में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, अब से आप पूरे दुनिया में टॉप एक्सपर्ट में आते हो। चैन बोलता है, ये लोग ताकतवर है, लेकिन ये लोग इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं है, अभी भी कुछ इमॉर्टल है जो गायब हो चुके हैं, शायद वो लोग अभी भी जिंदा भी हो। फिर वो अपने मन में बोलता है, अगर वो लोग जिंदा भी हो मैं उसे हरा भी सकता हूँ अभी, क्योंकि अब मेरे पास फेटल फ्रूट है और बहुत सारा स्प्रिंग वाटर भी है, अब मेरा कल्टीवेशन का लेवल बहुत ही आगे बढ़ सकता है। यंग बोलता है, मास्टर चैन क्या अभी भी कोई इमॉर्टल जिंदा होगा क्या? चैन बोलता है, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। यंग बोलता है, वो लोग लड़ाई कर रहे हैं, क्या हो गया वहाँ पर? तभी वो लोग वापस चैन की ओर आने लगते हैं। चैन बोलता है, अब आ गया प्रॉब्लम। यंग अपने मन में बोलता है, ये लोग कौन है? चैन वो दुश्मन के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे हैं। यंग बोलता है, मास्टर चैन क्या वो वही बीस्ट है क्या? चैन बोलता है, वो लोग कोई नॉर्मल बीस्ट नहीं है, जब वो लोग यहाँ पर आएंगे तुम्हें पता चल जाएगा, मुझे नहीं लगा था कि अभी भी ये दुनिया में होंगे। तभी एक आदमी बोलता है, ये बीस्ट क्या है? ये लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, ये लोग पाँव में चलते हैं और बहुत ही स्पीड में भाग रहे हैं, मैं अपना QI का इस्तेमाल करके ब्लॉक किया था, लेकिन वो लोग मेरे डिफेंस को तोड़कर मुझ पर हमला कर दिया। फूल बोलता है, ये कैसे हो सकता है? ये लोग बहुत पहले खत्म हो चुके थे, ये लोग अभी भी कैसे जिंदा है? फिर वो अपने ताकत की मदद से भेड़िया को काउंट करने लग जाता है। फिर कुछ देर के बाद बोलता है, 137, ये कैसे हो सकता है? हम लोग इनसे किस तरह से बचेंगे? ये लोग तो लेजेंडरी के भेड़िया है। एडम बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता है, एंशिएंट रिकॉर्ड में लिखा गया है मिडिल एज के दौरान वेयरवुल्फ और वैम्पायर को पूरी तरह खत्म कर दिया था, ये तो कोई भेड़िया नहीं लग रहा है, लेकिन ये सब है क्या? चैन बोलता है, ये डार्क लॉस क्लैन का ब्लड लाइन है, जो तुम वेयरवुल्फ के बारे में बात कर रहे हो वो डार्क वुल्फ क्लैन का डिसेंडेंट होगा, ये लोग का ब्लड लाइन उतना प्योर नहीं है। फिर वो अपने मन में बोलता है, मैं प्योर ब्लड वुल्फ को पकड़ना चाहता हूँ और उसका सीक्रेट ब्लड लाइन टेक्निक का इस्तेमाल करके मैं टॉक्सन लेवल का सुपर वॉरियर बना सकता हूँ, लेकिन ये लोग एक भेड़िया का प्रजाति है और ये लोग बहुत ही कमजोर है, मैं इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर भेड़िया लोग आ जाते हैं, ये देखकर सब लोग बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। एक लड़का बोलता है, हमें से कोई भी ज्यादा ताकतवर नहीं है कि इसका सामना कर पाए, ये लोग भेड़िए के पास कुछ और ही ताकत है। फिर वह चैन को देखते हुए अपने मन में बोलता है, अब हम लोग को यही बचा सकता है। फिर चैन चिल्लाते हुए भेड़िया को बोलता है, यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम लोग मार ही जाओगे। भेड़िया ये बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो चैन की ओर जाने लगता है। फिर चैन अपना ताकत का इस्तेमाल करके वो भेड़िया को एक मच्छर की तरह मार डालता है। ये देखकर सभी भेड़िया लोग गुस्से में आ जाते हैं और चैन पर हमला करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी आके बोलता है, हे तुम लोग रुक जाओ। फिर वो बूढ़ा आदमी चैन को बोलता है, डियर सर प्लीज इन लोगों को माफ कर दीजिए, इन लोगों को पता नहीं कि ये लोग लेजेंडरी से मुकाबला कर रहे हैं। चैन बोलता है, ये भेड़िया लोग तुम्हारे चेला है। फिर वो अपने मन में बोलता है, ये बूढ़ा आदमी बहुत ही कमजोर दिख रहा है, लेकिन मैं ये महसूस कर सकता हूँ कि ये इनमें से बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। वो बूढ़ा आदमी बोलता है, हाँ ये लोग मेरे बच्चे लोग हैं, मैं इस क्लाइंट का पैट्रियस हूँ, आप मुझे गैल्टन बुला सकते हो, मैं स्नो वुल्फ का राजा हूँ, आप हमारे राज में खड़े हो, मैं आपका ताकत को रेस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपको यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन यहाँ पर जो हुआ आप इसे सीक्रेट रखोगे। एक आदमी बोलता है, अगर ये यहाँ से जाएगा फिर हमारा क्या होगा?
गेल्डन बोलता है, जबकि तुम लोग यहाँ पर आने का हिम्मत किए हो तो तुम लोग मेरा चेला का खाना बनोगे। भेड़िया बोलता है, अगर हम लोग तुम्हें मार कर खा लिए तो तुम्हारा ताकत की वजह से हम लोग बहुत ही जल्दी इवॉल्व हो जाएंगे। सैन बोलता है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा लेकिन मैं अपने साथ सारा स्प्रिंग वाटर और फल ले जाऊंगा। गेल्डन गुस्से से बोलता है, तुम्हारे इतने हिम्मत हो गया, यह हमारे क्लाइंट का होली आइटम है, यह हमारे भेड़िया के गॉड ने हमें गिफ्ट दिया है, जो भी उसे पाने की कोशिश करेगा हम लोग उसे मार डालेंगे। चैन बोलता है, बकवास बंद करो और ये वैली से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे क्लाइंट को खत्म कर दूंगा।